न टेंथ क्लास आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं यानी कि दो वायर्स समझ लें जिनमें करंट जो आ, फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में है Attract each other. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जब डायरेक्शन सेम है करंट की एक्सप्लेन वाई करना है कि क्यों ऐसा होता है वट विल यू कंक्लूड इफ डर इज अपजिट और अगर उन कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो उस वक्त उस पर उन कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो कंडक्टर होता है जब उसमें से एक करंट गुजरेगा किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि अगर वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन में हम थंब को इंडिकेट करें तो जो करली वायर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होती हैं तो अब अगर हम बात करें सेम टू कंडक्टर्स और उनकी जो डायरेक्शन है करंट की वो सेम हो तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके अक्रॉस वो इस डायरेक्शन में हमारे पास दोनों तरफ दोनों कंडक्टर्स की शो की गई है ठीक है अब इस कंडक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए हम अगर इस पर फोर्स अप्लाई करें कि फोर्स कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट और जो फोर्स है यानी कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल तो इन वो अगर हम अप्लाई करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड आ रही है और यही चीज अगर हम दूसरी वायर पर अप्लाई करें तो उस पर भी इन्वर्ट होगी यानी कि जब करंट सेम होगा तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास मौजूद होती है किस वजह से ये हमने करंट मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैलकुलेट किया अब ये अगर कर दिया जाए कि इन दो कंडक्टर्स के दरमियान जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दी जाए तो उस वक्त इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी ठीक है वैसे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिड में उसकी देख सकते हैं कि एक की उस डायरेक्शन में है और दूसरे की इस डायरेक्शन में जब अपोजिट आ जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब सेम आ जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है बार मैग्नेट्स आर ड्रॉप इन लॉन्ग पाइप्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कॉपर ऑफ सेम लेंथ बार मैग्नेट्स हैं और उनको ड्रॉप किया गया है एक इन लॉन्ग पाइप्स में जो कि प्लास्टिक और कॉपर की बनी हुई है यानी कि एक प्लास्टिक की पाइप है उसमें बार मैग्नेट को गिराया गया है और दूसरी कॉपर की पाइप है उसमें एक बार मैग्नेट को गिराया गया है बार मैग्नेट कम्स आउट लेटर थ्रू कॉपर पाइप देन थ्रू प्लास्टिक पाइप वाई जो बार मैग्नेट है वो कॉपर पाइप से गुजरकर जब नीचे आता है तो ज्यादा देर लगाता है प्लास्टिक पाइप की निस्बत इसकी रीजन क्या है तो इसकी भी बेसिकली वही रीज़न है कि जो मैटर जब बाहर मैग्नेट गुजरेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो मूविंग मैग्नेट होगा कॉपर वायर में वो करंट इंड्यूस्ड कर देगा उस कॉपर पाइप में ठीक है कॉपर पाइप से जब वो गुजरेगा मैग्नेट तो वो करंट इंड्यूस्ड कर देगा इट वुड टू अ लूप ऑफ कॉपर वायर जैसे कि वो लूप ऑफ कॉपर वायर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक में कि वो उसमें करता है तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस करता है करंट फैराडेज लॉ के मुताबिक तो जो करंट होगा कॉपर पाइप में वो सर्कुलेट करेगा क्रिएटिंग क्लोज लूप्स कॉल्ड एडिक्रंट द्रंट इन सेल्फ क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड वन दैट अपोज द फॉलिंग मैग्नेटिक फील्ड स्लोइंग इट्स डाउन तो वो जो एडिक कर इट्स सेल्फ क्रिएट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपोस मैग्नेट को फॉल करने में जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी प्रोड्यूस हो रही है तो इस वजह से जो मैग्नेट है वो कॉपर में स्लो डाउन जाएगा लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है कॉपर कंडक्टर था इस वजह से उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ लेकिन प्लास्टिक कंडक्टर नहीं होगा तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा जब करंट इंड्यूस नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी और कोई उस तरह का प्रोसेस नहीं होगा तो वहां पे मैग्नेट जो समझ लें कि ग्रेविटी की फोर्स से डाउनवर्ड गिर जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है वट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिय कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी करंट कैरियंग कंडक्टर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा आल्सो लेबल द डायग्राम विद करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स और इस डायग्राम को लेबल करना है करंट किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में और फोर्स किस किस डायरेक्शन में यह डायग्राम आपकी बुक में थोड़ी चेंज है और मैंने इसको एक ही डायग्राम बनाई है जस्ट विद लेबलिंग जो हमने लेबल करना था इसको तो वो मैंने बना दिया है तो सबसे पहले ये हमारे पास जो डायग्राम है बुक में उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है दूसरी तरफ साउथ पोल है और दरमियान में रॉड है या वायर है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है ये हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन शो की गई है वायर में तो अब इसके ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी वो क्यों होगी कि हम लेफ्ट एंड फ्लेमिंग रूल को अगर इस स्टेटमेंट पे इस पॉइंट पे अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी ये फिंगर इंडिकेट करेगा नॉर्थ से साउथ जो करंट है वो अगर इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन को तो जो हमारे पास ए, फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी ठीक है अगर आप लेफ्ट एंड रू, रूल रूल अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अगर आप अप्लाई करेंगे इस सेम सिचुएशन पे तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को तो लेफ्ट एंड फ्लेमिंग रूल के जरिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं

तो इन इसको सिंपली अगर हम देखें तो ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में और क्वाइल के अंदर ये करंट की डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई गई है हमने जस्ट रोटेशन ऑफ द लूप बतानी है कि तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो यहाँ से अगर हम देखें तो करंट इस डायरेक्शन में है यानी कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी करंट यहाँ से उस डायरेक्शन में है ठीक है तो फोर्स यहां पे जो इंप्लीमेंट होगी वो हमारे पास डाउनवर्ड होगी ठीक है और इसी तरह जब हम इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो यहां पे अपवर्ड नहीं यहां पे जो इस पॉइंट पे होगी वो अपवर्ड होगी लेफ्ट एंड फ्लेमिंग रूल की मदद से आपने चेक कर लेना है और यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी तो इस वजह से जो जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास क्लॉक वाइज रोटेशन में आएगी इस लूप की डायरेक्शन जो आएगी या कॉल की जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आएगी तो बेसिकली इसमें जस्ट इन्होंने यही कहा था डायग्राम को देखते हुए आपने जस्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है उसके मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन जहां पे बनेगी वो अपवर्ड होगी जहां पे डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाइल इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये डायरेक्शन हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहलाती है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है बार मैग्नेट इज मूविंग द रिंग बार मैग्नेट मूव कर रहा है रिंग को वट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी रिंग में जब मैग्नेट मूव करे टू वर्ड्स द रिंग और मैग्नेट मूव अवे करे रिंग से तो हम फर्स्ट केस देखते हैं कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये हमारे पास एक क्वाइल है या रिंग है इसमें ये मैग्नेट मूव करेगा कॉयल की तरफ तो हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट बतानी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेन वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ दी नॉर्थ पोल इस वजह से कहा है कि डायग्राम में उसने दिखाया है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की डायरेक्शन में है वन वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैगनेट नियर अ मेटेलिक रिंग अप्लाइंग लेंज इज ला द रिंग विल बिहेव एज नॉर्थ पोल सो दैट रिपल्जन ऑकर्स तो ये जो हमारे पास रिंग है जहरी सी बात है जब हम इसको मैग्नेट को क्वाल के नज़दीक लेकर आएँ तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ ऐसे होगी कि उसका नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल की तरफ होगा क्योंकि हम इसको रिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से इफेक्ट ऐसा होगा कि ये उसको रिपेल करे सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और जब हम इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे राइट हैंड डायरेक्शन रूल करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा जब नॉर्थ हम मैग्नेट को नॉर्थ पोल रिंग की तरफ लेकर जाएंगे और इसी तरह जब हम साउथ पोल को मैग्नेट से अवे लेकर जाते हैं तो इसमें करंट ऐसे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा क्योंकि हम इसको अपोजिट रिंग से दूर ले जाना चाहते हैं लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा लेंजेज लाभ की मदद से वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा तो फिर हम राइट हैंड की मदद से जब इसको चेक करेंगे राइट हैंड रूल की मदद से जो करंट है डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है इस रिंग में तो वो हमारे पास क्लॉक वाइज आएगी ठीक है जब नॉर्थ पोल मैग्नेट का रिंग की तरफ लेकर गए तो उस वक्त जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो एंटी क्लॉक वाइज होगा और जब साउथ पोल को हम अवे फ्रॉम द रिंग मूव करवाएंगे तो उस वक्त जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्लॉक वाइज होगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इफ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट्स प्राइमरी कॉइल आउटपुट जीरो क्यों होता है अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दें यानी कि डीसी वोल्टेज अप्लाई करें ट्रांसफार्मर को हम एज इनपुट दें तो आउटपुट पे हमें जीरो वोल्ट मिलता है ऐसा क्यों है तो बेसिकली जब हम डी वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में तो कोर बिकम्स एन इलेक्ट्रो तो जो कोर है कोर मेटल का बना होता है ना कॉपर का या किसी भी मेटल का हो सकता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है एंड जो पुलैरिटी डज नॉट चेंज और पुलैरिटी चेंज नहीं होती एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी कंडक्टर वाइंडिंग रिमेंस एंड ट्रेंड तो जो मैगनेटिक फ्लक्स होता है स्केंडरी वाइंडिंग का वो भी चेंज नहीं होता कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन डज नॉट ऑकर यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता जब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है करंट भी इंड्यूस नहीं हो रहा करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा स्कैंड्री वाइंडिंग में तो जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर की वो हमें जीरो देगी अगर हम इनपुट पे डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आर ऑफ ट्रांसफार्मर वाउंड ऑन आयरन आयरन कोर जो कॉल्स होती हैं ट्रांसफार्मर की उनको आयरन कोर के ऊपर क्यों लपेटा जाता है तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रांसफार्मर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया गया है वो इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्केर शेप फॉर्म में

टू प्रोवाइड दी नेसेसरी मैगनेटिक पाथ ताकि नेसेसरी मैग्नेटिक पाथ उनको मिल जाए वायल मिनिंग मैगनेटिक लॉसिस और मैग्नेटिक लॉसेस जो हैं वो कम से कम होयरन इज यूज इन ट्रांसफार्मर तो आयरन ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है ताकि मैग्नेटिक पाथ जो है वो प्रोवाइड हो सके और जो मैगनेटिक लॉसेज हैं वो कम से कम हों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है मर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया, किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर प्लांट होता है या ग्रिड स्टेशन है जहां पर बिजली जो बनती है तो वहां से जब इनको आगे फर्दर पहुंचाना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है ताकि वह क्या करें हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएं फिर वो हाई वोल्टेज आगे फर्दर पहुंचाई जाती है जहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं सब स्टेशन पर जो कि इसको कम कर देते हैं फिर यानी कि पहले लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में किया फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में किया और फिर वो सिटीज़ uh, में या जहाँ पे टू वोल्ट आगे प्रोवाइड करनी होती है तो वहाँ पे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर उसको डिज़ार्ड वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो ट्रांसमिशन होती है उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं यानी कि इसको डायरेक्ट ट्वेल्व किलो वोल्ट ही यहाँ तक क्यों नहीं ले जाते इसको हाई क्यों कर देते हैं हम तो ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसमिशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ अनर्जी के लिए जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने अप्लाई करना हो वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने हो तो उस वक्त हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज आउटपुट ऑफ़ जनरेटर की मदद से क्या कर दिया जाता है स्टेप अप कर दी जाती है उसकी वोल्टेज सो करंट इज रिड्यूस्ड करंट रिड्यूस कर जाता है और इसी तरह करंट रिड्यूस करेगा तो आई स्कीर आर जो है वो लॉस कर जाएगा ठीक है यानी पावर इट इज़ देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तो जो फिर इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या कर दिया जाता है ट्रांसमिट कर दिया जाता है एरिया ऑफ सब स्टेशन नियर कंज्यूमर्स जहाँ पे सब स्टेशन में जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी होती है वहाँ तक दी वोल्टेज स्टेप डाउन उसको फिर स्टेप डाउन करते हैं और फिर दर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेशन पे टू ट्वेंटी टू फोर्टी वोल्ट रिचेज एट होम कि घरों तकब टू फोर्टी वोल्ट पहुंच रही होती है नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर है। जब बार मूव करते हैं की की तरफ, की तरफ, सिंगल टर्न तो हमारे हाथ के ऊपर अपोजिंग फोर्स अप्लाई होती है इफ दिस मैग्नेट इज पुश्ड टू वर्ड क्वाइल ऑफ मेनी टर्स नाउ यू विल फील ग्रेटर अपोजिंग फोर्स वाई सिंगल जब टर्न की डायरेक्ट सिंगल टर्न की तरफ हम मैग्नेट को मूव करवाएं तो उस वक्त हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर इस इंक्रीज कर देंगे उस कॉयल के तो उस वक्त जो फोर्स हमारे हाथ के ऊपर लगेगी वो ज्यादा होगी अपोजिंग फोर्स इसकी रीजन क्या है तो बेसिकली जब हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं क्वाइल की तरफ सिंगल क्वायल है सिंगल टर्न है तो उस वक्त उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है उस करंट इंड्यूस्ड होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी कि वो अपोज करेगी हमारी मोशन को लेंजेस ला की वजह से तो जब सिंगल टर्न है तो डेफिनेटली करंट कम इंड्यूस्ड होगा और जहां पे जो फोर्स है वो भी कम होगी लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए ठीक है नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने की वजह से क्वाइल्स का एरिया इंक्रीज हो जाएगा और जब एरिया इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है

डी मोटर में सप्लेट रिंग्स यूज किए जाते हैं वो और ए सी मोटर में स्लिप रिंग्स यूज किए जाते हैं इन दोनों के दरमियान के क्या डिफरेंस है इनका फंक्शन क्या होता है तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास स्लिप रिंग्स होते हैं जो कि ए मोटर में यूज किए जाते हैं और ये हमारे पास सप्लेट रिंग होती हैं जो कि डी मोटर में यूज किए जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं सपलेट रिंग्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक मोटर या डी मोटर में यूज किए जाते हैं और उनको कामोटेटर का नाम दिया जाता है ये क्या काम करते हैं कि ये रिवर्स कर देते हैं करंट की डायरेक्शन को यानी कि क्वाल जब मूव करके एक यहाँ पे अब ये हॉजेंटली है ना जब पैरल आती है तो फिर इसकी करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है ठीक है रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट को हर हाफ रोटेशन के बाद क्वाइल जब हाफ रोटेशन करती है तो जो रिवर्स कर देता है ये करंट की डायरेक्शन को तो इस वजह से क्वाइल कंटिन्यूसली रोटेट करती है सेम डायरेक्शन में जबकि जो स्लिप रिंग्स हैं वो कंटिन्यूस ट्रांसफार्मर ऑफ पावर प्रोवाइड करते हैं एसी मोटर्स को तो एसी मोटर्स में स्लिप रिंग यूज किए जाते हैं और डीसी मोटर में सप्लेट रिंग्स यूज किए जाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें थैंक यू